मोदी जी ये बता दें उन्हें कितनी जानें और चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ताकि वो सर कलम करके उनके आगे रख दें हम और बदले में। कितना और जुल्म करेंगे, कितना और सहना पड़ेगा, कितने और सरदा गांव के कैथल के आज शहीद अमरपाल जो 32 वर्षीय हमारे साथी हैं, उन्होंने भी कृषि कानूनों के खिलाफ, इन काले कानूनों के खिलाफ अपनी ज़िंदगी दे दी, कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी। सवाल ये है कितनी और जिंदगियां लेंगे खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला, कितने और किसान को, मजदूर को, गरीब को, मेहनत कश को, मिट्टी से सोना पैदा करने वाले इस देश के अन्नदाता को कितनी और जिंदगियां ली लेंगे नरेंद्र मोदी और भाजपा, कितनी कुर्बानियां हमें और देनी पड़ेंगी। 45 किसान देश के अन्नदाताओं ने कुर्बानी दे चुके। मोदी जी ये बता दें उन्हें कितनी जानें और चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ताकि वो सर कलम करके उनके आगे रख दें हम और बदले में 3 काले कानून माफ़ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, लोगों को ज़िंदा रहने दीजिए। पहले ही खेत खलिहान जोतने वाला सड़क पर है, उसके बेटा और बेटी के पास रोटी नहीं है, एक एक दो दो ढाई ढाई एकड़ का ज़मींदार है जो अपने खेत के अंदर मजदूर बन गया है, और बगैर जोत वाला बहुत सारा ज़मींदार है जो पट्टे पे लेके ज़मीन पे खेती करता है, और जो हमारे SC/BC के भाई हैं जो हमारे साथ काम करते हैं वो कहाँ जाएँ। इसलिए ये ज़िंदगी की लड़ाई है, ये कोई ज़िद नहीं है। तो मनोहर लाल खट्टर जी को भी हमें धींगा मस्त बोलना या हमें उग्रवादी और आतंकवादी बोलकर इस देश की मिट्टी का अपमान नहीं करना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी दोनों की चल रही है, पर वो भूल गए क्या, वो माँ के पेट से राजा नहीं बने, वो इन्हीं किसानों और खेत मजदूरों की वोट से राजा बने। हमसे कहीं कोई कमी रही होगी, हमें लोगों ने बाहर बैठा दिया, परंतु सत्ता में 10 साल हमने भी चलाई, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप सब पत्रकार मित्र भी गवाह हैं, पूरे हरियाणा में किसी किसान को एक लाठी कभी मारी हो, किसी गरीब को एक लाठी मारी हो, चाहे कितना भी झगड़ा हुआ मैं जाकर बैठ जाता था, बैठकर उनकी मर्जी के मुताबिक उसका हल निकाल कर आते थे। याद करिए, सारी शुगर मिलें बंद कर दी थी किसानों ने, मैं उनके साथ 3-4 दिन बैठा, कहा हम भी किसान के बेटे हैं, सरकार का खजाना आपका है, इतनी एक कर लीजिए कि आपकी बात रह जाए और खजाना भी ख़त्म ना हो। तो जो उन्होंने आखिर में रेट कहा हमने दे दिया, परंतु ये सरकार जो है कितनी जिंदगियां लोगे, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, कितने किसानों के बेटों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कितने सर और चाहिए नरेंद्र मोदी और भाजपा बताए, ताकि हम उनकी सत्ता की हवस मिटाकर वो सर उनके सामने रख दें। पर काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये निर्णय है, अडिग है, अटल है और बदलने वाला नहीं। सर, SYL के नाम पे पंजाब हरियाणा के किसानों का जो एक है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा पंजाब के किसान की अकेले की लड़ाई नहीं, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का किसान क्यों आया हुआ है? कर्नाटक में गया था, वहाँ लाखों किसान मुझे मिले, सारे के सारे किसान सड़कों पे, मैं तो उनकी जबान भी नहीं बोल सकता, परंतु उनकी आँख की पीड़ा और दिल का दर्द उनके चेहरे से नज़र आता है। इसलिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, UP, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, किस किस को मारोगे, कितने किसानों को रोकोगे मोदी जी, ये बताइए।